बच्चों, आपने भगत सिंह के बारे में उसकी बचपन की तो बातें सुनी। आज मैं आपके लिए उसकी और दूसरी स्टोरी लाई हूँ जो भगत सिंह के ही बारे में है। पर उसके युवानी में उसने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं उसके बारे में है। बचपन से ही वो इतने बुद्धिमान थे और साथ में वो देश के लिए बहुत ही उसके अच्छे अच्छे काम करते थे और उसके विचार भी बहुत ही अच्छे थे। आपको पता है, जब वो युवान थे तब देश में कुछ नहीं था, मतलब कि ये जो रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, ये कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। भगत सिंह को देश में बहुत ही अच्छे काम करने थे, लेकिन वो कैसे करे? क्योंकि उसके साथ उनको पूरा देश चाहिए था, बट वो तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऐसे मीडियम नहीं थे जिनसे वो बात कर पाए। पर फिर भी भगत सिंह ने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने एक बुक लिखनी शुरू की और वही बुक्स में वो सब कुछ लिखते थे, मतलब कि देश के लिए क्या-क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब भगत सिंह अपनी बुक में लिखते थे और वो बुक पूरे भारत देश में फैलाते थे। इसके कारण पूरे देश में पता चला कि भगत सिंह कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं देश के लिए। उनको ये अंग्रेज रूल नहीं पसंद था और उन्हें ये हटाना था, तो इसलिए वो पूरे भारत देश को एक साथ करना चाहते थे और उन्होंने किया भी। उन्होंने बुक लिखी और वो एक दो साल में इतनी प्रसिद्ध हो गई पूरे भारत देश में कि पूरे लोग, सारे लोग उन्हें जानने लग गए, भगत सिंह को पहचानने लगे कि कौन है, वो क्या क्या करते हैं। फिर भगत सिंह पूरे देश के साथ जुड़ गए। कैसे? अपनी बुद्धि से। अगर आप भी अच्छे काम करते हो, आपको भी कुछ अच्छा करना है, तो आपको सपोर्ट चाहिए ना। विदाउट सपोर्ट ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा है तो आप उनको कैसे खड़ा करोगे? ऐसे ही तो नहीं होगा ना। अपनी बुद्धि से, अपनी ईमानदारी से, अपनी प्रामाणिकता से ये सब करोगे तो अवश्य सभी लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, जैसे कि भगत सिंह के साथ पूरा देश जुड़ा था। तो ये थी उसकी बुद्धिमानी की कथा। थैंक यू फॉर वॉच मी। बाय।